आवाम दे तबाही कर दी इस महंगाई ने। खाना पूरा नहीं होंदा, जे पेट्रोल लईए तो वह नहीं पूरा हो सकता। असी तो वोट भी दिते, सारा कुछ किया, लेकिन साडा कोई नहीं सोच रहा। महंगा पेट्रोल कार दा बर्बादी कार दी, बंदे खुद खुशियां करन ते मजबूर होए हुए। किसी से उम्मीद नहीं है अभी। अगर ये कैदी नंबर 804 बाहर आ जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा, बाकी ये इस हुकूमत से हमें कोई उम्मीद नहीं है। एक लीटर ना दो चक्कर लगते ने, उन्हें दो लीटर के भी ना पैसे निकले थे, असं घरों लिया के चलाइए, सवारी ने तो उन्हें ही किराया देना ना। मजबूर हो जाने, बेबस है, अं कर भी की सकते हैं, असं तो बस यही कहेंगे पेट्रोल कम करन। वो महंगाई भाजी गरीब लोगों वास्ते, अमीर लोगों वास्ते कहती है। वो एक रुपया चीज़ महंगी होंगी, दो रुपया महंगी करके आटा लैन चले, राशन लैन चले, गरीब आदमी जाना कार्ड लैके उन्हें वैसे ही झिड़क देंगे। एंड से उन्होंने यही कहना, भाई गरीब से हाल से रहम करो, आज जो दुए तीए दिन पेट्रोल बढ़ा के गरीब की जेब से रोटी खिंचते हो, ये तो बुरकी उन्होंने जेब से रह लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम अमीर की होती रही ख़राब, बच्चे गरीब के फाकों से मर गए। महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल, हुकूमत ने ये गरीब तबके को दिया है रोल। अगर पूछें लोग क्यों करते हो महंगा पेट्रोल, तो कहते हैं तू आगे से ना बोल। मेरे पास कुछ भाई भी मौजूद हैं, कुछ साथी मौजूद हैं, गरीब तबका मौजूद है, मजदूर मौजूद हैं, रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं पेट्रोल की कीमतों के इजाफे के बाद जो हुकूमत ने आप पांचा मारा है, इसकी दर्द होती है या आपने दर्द बर्दाश्त कर लिया है, आए जानते हैं। आवाम दे तबाही कर दी इस महंगाई ने। खाना पूरा नहीं होता, जो पेट्रोल लईए तो वह नहीं पूरा हो सकता। कोई सहूलत देवे ना, कोई रिलीफ देने, उन्हें तुहाडे वास्ते इदा पैकेज नहीं दिता कि तुहाडे वास्ते उन्हें पेट्रोल महंगा के वास्ते दिता है ना, लेकिन वो देखते हैं कार्ड, ठीक है जी, कार्ड दे अगर तेरा आया जी, ठीक है तेरा आया है, वो 100 चों 50 बंदे नु मिले तो फिर दूसरे तो गए ना हमें जी। भाई इन्होंने पेट्रोल तुहाडे वास्ते महंगा किया ना, कि चलो गरीब दलील ही होवनगे, तो तुसीं इहदे ते खुश नहीं हैगे? नहीं, इहदे ते खुश नहीं हैगे। असीं ते वोट भी दिते, सारा कुछ किया, लेकिन साडा कोई नहीं सोच रहा। साडे जुत्तियां वेखो टुटियां होईयां ने, कपड़े मंग के पाने, असी की करी कि पासे जाइए। तुहानू कि लगता है कि हुकूमत तुहाडा कि सोचेगी? हुकूमत साडा सोचे जी भी कोई रिलीफ देवे या महंगाई जी कम करे, ठीक है जी। रिलीफ और तुहानू कि चाहिए? सीएम पंजाब बीबी मरियम नवाज साहिबा हर घर से जा रही, और कि रिलीफ चाहिए जी? साढ़े को नहीं आए जी। महंगा पेट्रोल कार तो बर्बादी कार दी, बंदे खुद खुशियां करन ते मजबूर होए हुए ने। मैं अति चंगा भला बंदा और रो रो के पागल होया हुआ सी, टोके वाली पुलिस इत्थे। हाँ जी, तुहाडे किन्ने बच्चे ने? मेरे चार बच्चे ने जी। चार बच्चे जी, की करदे हो? रक्षा ड्राइवर? नहीं जी, रक्षा ड्राइवर नहीं, मजदूरी करदे। मजदूरी करदे हो? कहीं सर्किट पूरा होंदा जे मजदूरी ना लभे? इसे वास्ते गया सी मैं, हज भी चलो कोई रक्षा लेके दे देवण या कोई इमदाद कर देवण, मेहरबानी उन्हां दी, ठीक है जी। लेकिन आवाम सारी दे बारे सोचण, किसे एक दे बारे नहीं। नाज़रीन, ये भाई की बात सुने जरा, मालिक मकान को राशन मिल गया और इस मेरे मजदूर भाई को, इस गरीब भाई को अल्लाह इसकी मदद करे, अल्लाह इसकी गैर भी मदद करे, इस भाई को राशन नहीं मिला। ये कौन सी काली भेड़े हैं जो बार बार फैसलाबाद काम डाली जा रही हैं, लेकिन जो हकदार है उनको उनका हक नहीं मिल रहा? भाई ना बाकी ये गल सही है कि मालक मकान राशन मिल गया, तुहानू नहीं मिले? भाई जान मेरा सीधे पास है मुँह, ला ला लीला मुहम्मद रसूलिल्लाह, मैनू कलमा नसीब ना होए। मालक मकान नु शर्म नहीं आई वैसे राशन लैन? मकान मिलया है, ठीक है, वो मेरे सामने असि इकट्ठे गए लैन। अच्छा, ठीक है, ओनू मिलया लेकिन मैनू नहीं मिलया। की कहोगे हुकूमत नु? हुकूमत नु ये कहना चाहने है कि कोई गरीबां दे बारे सोचन, ये इन्हां नु मौका दोबारा मिलया है, ठीक है, ये आ ही गए ने गलती नाल, ठीक है, ते गरीबां बंदियां नु, किराएदारां नु, मजदूरां नु कोई रिलीफ देन। हुकूमत नु सी यही कहांगे जी, गरीबां दी हेल्प करन, सास करन। ए वेखो रोजे आए ने, काम है कोई नहीं, किसे टाइम दिहाड़ी लग जाती, गुजारा हो जाता, किसे टाइम नहीं होता। ईद आने वाली है तो शॉपिंग शुपिंग नहीं? शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं किया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਕਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੈਸ਼ੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਕਾਨ ਰੈਂਟ ਪੇ ਜੀ? ਰੈਂਟ ਪੇ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰਕਸ? ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ। ਕਿੰਨਾ ਰੈਂਟ ਹੈ ਮਕਾਨ ਦਾ? 14000। 14000 ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ? बस कर्जे वगैरह लेके गुजारा कर लो। बच्चे पढ़ते हैं जी? बच्चा भी एक है 5 साल का, वो अभी है, जा रहा है स्कूल।
कौन सी हुकूमत में आपको बेनिफिट मिला था? अच्छा, ईमानदारी से बताना यार, अगर सच में बोलूँ ना तो इमरान खान की हुकूमत सही थी। हुकूमत पाकिस्तान को क्या कहेंगे आप? मैं बस किसी से उम्मीद नहीं है अभी। अगर ये कैदी नंबर 804 बाहर आ जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा, बाकी ये इस हुकूमत से हमें कोई उम्मीद नहीं है अभी। मुल्क बहुत नीचे जा रहा है। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। हम आगे भी लोगों के पास चलते हैं कि लोग किस तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं, किस तरह गुजारा कर रहे हैं। पेट्रोल की भर्ती हुई कीमतों के इजाफे के बाद लोगों को कितनी दुश्वारी हो रही है। ईद का ये रिलीफ दिया है, ईद का तोहफा दिया है, या ईद का इन्होंने तमाचा भरा लोगों के मुंह पे। आए हमारे साथ। एक लीटर ना दो चक्कर लगते ने उन्हें, दो लीटर के भी ना पैसे निकले थे, असं घरों लिया के चलाइए। सवारी ने तो उन्हें ही किराया देना ना, तो बजाय कम करने की बजाय बधाई जा रहे हैं, पता नहीं की सहूलत दे रहे हैं, तो सब तो नहीं समझ आ रही की करिए। घर अपना थोड़ा? नहीं, रेंट दे। बच्चे है माशाल्लाह? है किन्ने ने? चार बच्चे ने। चार बच्चे? बेटियां दो बैठे। कैंजू गुजारा करोगे? अल्लाह वाले से, अल्लाह पाक का वादा है, रोजी रिजक देना है, बाकी कुमरा कसर कोई नहीं छोड़ना, कोई चक्कर नहीं। अल्लाह पाक रिजक दे रहा है, कुमरान नहीं दे रहा है। मजबूर हो जाने, बेबस है, असं कर भी की सकते हैं। असं तो बस यही कहेंगे पेट्रोल कम कर, महंगाई तो पेट्रोल के सिर पर ही, पेट्रोल कम होएगा बाकी हर चीज़ कम होएगी। जिस रात तुम्हें पता चले कि अब पेट्रोल लीटर घट जाना है या अद्धे पैसे घट जाना है, थोड़ा जहा घट जाना, रेट घट जाना, तो फिर खुशी होंगी कि चलो थोड़ा आसरा है। देखो शुक्र अदा कर, शुक्र अदा करेगा। बिल्कुल जी। नाज़रीन सूरत हाल आपके सामने है, हम आगे भी बात करते हैं। हाँ जी चाचा जी, तुम रेहड़ी में पेट्रोल पवाते हो? हाँ जी। हाँ भाई जी, कितना पेट्रोल पवाते हो? रोटी वाला। रोटी वाला? बड़ी गहरी गल कह दी। किन्ने बच्चे ने तुहाडे? बच्चे मेरे चार। बच्चे तुहाडे चार? शादीशुदा ने? तीन शादीशुदा है, एक बच्ची रहिंदी है। और बच्ची रहिंदी ते कैंजू गुजारा कर रहे हो? ए तुसी की करदे हो रेड़ी ते? मंगदा फिरदा है भाई। रेड़ी ते मंगदे हो? हां, मले इहनां नूं पता है बाबा पहले इत्थे ही सौदा वेचदा सीगा, उत्थे ही फिर रहे हैं, उहनां कोलों लै के खा गुजारा कर लिया। ए तुसी हुण लोकां कोल बोतलां मंगीआं होईआं ने? ए ते राह जांदे गलियां भलियां चुक्की जाई मिल गई। लै महंगाई ते नहीं ना हैगी? महंगाई वो महंगाई भाजी गरीब लोगों वास्ते, अमीर लोगों वास्ते कहती है। वो एक रुपया चीज़ महंगी होंगी, दो रुपया महंगी करके वो गरीब का ही साढ़े वर्ग मजदूर का जिन्हा कोई कुछ हाल नहीं होंगे। वजह सिर्फ इन्नी हैगी है कि टैक्स वगैरह जिन्हें भी है ना गरीब की जेब चो निकलते हैं, ये अपनी जेब चो भी तो कट के देन टैक्स, अपनी जेब चो नहीं कड़ने इन्होंने टैक्स। इन्हों किसी 100 रुपए की लोड़ पी कर दौ, पेट्रोल महंगा आ, बिजली महंगी कर दौ, आ गैस महंगा कर दौ, फलानी चीज महंगी कर। मैं ये दसो कदों बच्चे थोड़े को अपन हार करते हैं, थोड़े कोश नहीं होता तो फिर की कहें? उन्होंने कही सबर करो। बच्चे सबर करते ने? जो करने वाले कर लेंगे ने, जो नहीं करने वाले रो के मंगते ने। गरीब बंद का वारा कोई नहीं। मैं मेरे चार पोतरे ने, चार दोतरे ने, किराए का मकान नहीं, बिजली के बिल, गैस, गरीब आदमी वाले से बहुत औखा हो गया। मैं चंगी भली रेहड़ी से सौदा बेचता हूँ। किराए का मकान है, बिजली बिल, गैस का बिल, बच्चों के अखराजात, तो तुम यार रेहड़ी तो सिर्फ मंगते हो तो कैसे गुजारा होता होगा? फिर हूँ जो होना गुजारा इस तरह ही है ना, भी किसी ने 100 देता, 10 देते, 20 देते, ये हूँ हालात। हुकूमत राशन दे रही है, तुहानू नहीं मिलिया? सानू ये पाया जी राशन, तुसी इत्थे फोल के वेख लो, उन्हां लोगों नू मिलिया जिहड़े कोठियां दे मालक ने, जिन्हां दे कारोबार वसी ने, हत्थां 30-40 हज़ार का मोबाइल फड़िया कि जी असीं आटा लैन चले हाँ, राशन लैन चले हाँ। गरीब आदमी जाना कार्ड लैके उन्हें वैसे ही झिड़क दिंदे आ। अल्लाह तुहाडी मदद फरमाए। की कहोगे हुकूमत नूं, की कहोगे एंड दे? एंड दे उन्हां नूं यही कहना भाई गरीब दे हाल ते रहम करो। आ जिहड़े दूए तीए दिन पेट्रोल बढ़ा के गरीब की जेब चो रोटी खिंचदे हो, इह ते बुरकी उन्हां नूं जेब च रहण दे। नाज़रीन इकराम, जब ये बाप दादा की उम्र जैसे ये हमारे बुजुर्ग हैं, हम इनसे बात करेंगे तो इनकी आंखों में आंसू आएंगे, तो क्या बीतेगी हमारे दिलों पे? क्या बीतेगी आपके दिलों में? देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे
जब इन जैसे बुजुर्गों की आंखों में आंसू आते हैं, अल्लाह ताला आपको हौसला दे। अल्फाज नहीं है, अल्लाह ताला हदायत दे इस हुकूमत को। हम आगे लोगों से बात करते हैं, लोगों का क्या रद्द अमल है। आया हमारे साथ, पेट्रोल महंगा खुशी हुई थानू? मेरे को साइकिल में पेट्रोल महंगा हो सस्ता हो मजदूरी कर दे। हाँ जी, महंगाई भी तो है ना। महंगाई बिल्कुल है, जो मरे नुमा आटे जो 650 को आटा दे रहे हैं उधर लगाते कि तो हम जाते ही नहीं है। अच्छा, मशहूर जहाँ कोई आटा आटा नहीं मिला? नहीं, कोई कुछ नहीं मिल रहा। नहीं कि किधर आटा लगना चाहिए उधर नहीं लगा हुआ। शेरागढ़ उधर उधर ट्रकों का उधर उधर होता, कभी होता, वो आते हैं टाइम फेस करते हैं और चले जाते हैं। तो आटा नहीं मिला? नहीं नहीं मिला। और हम कहते नहीं गरीबों आटा दे जाने सबूत का उत्थे जो जाइटी स्टोर चले जाओ, वो कहने जी बेन दी कार्ड कि बना हो ले जाए बका पंट च वड़ जाऊं जाते। वो कहते ना मजदूरों को आटा दे जाने। मैं ना मजदूरों ने कितने दे रहे हैं? नहीं मिले। तो फिर किन्ना मिले? पता नहीं किन्ना दी जा रहे हैं। असी तो शनाख्ती कार्ड चेक करवाने हैं। अभी चेक कराने हैं नहीं। तो आने तो आया ही नहीं, तुझे आया ही नहीं। हाँ जी, पहले मेरे तीन मिले। इस तरह के मामला आते, हम सात भाई हैं। अच्छा, सात भाई से मेरे एक भाई के छोटे ही मिला है। अच्छा, मैं पहले एल था, उसके बाद मुझे नायल शनाख्ती कार्ड। एल कहेंगे तो आड़ी की नहीं प्रॉपर्टी है? मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर तुम कहेंगे नायल हो? पता नहीं उनको पता भाई। तुम्हारा कोई शॉपिंग माल होगा मौलवी साहब कर रहे हो तुम? नहीं, चेक करो इसी चेक करो गड्डियां तुम्हारा शोरूम में। मेरे को साइकिल बेची, साइकिल द्वारा लेती गई। तो फिर उन्होंने तुम्हें क्यों नायल किया? तू टोर तो गया जी बाबू साहब आटा लाने वास्ते। आज देख लो जी। अच्छा, इंतजार कर सकने हैं सुर दयाल आपके सामने है, कमेंट बॉक्स आपके पास है। आपने अपनी राय का भी इजहार करना है अपने मीठे से कमेंट के साथ। मैं मिलता हूँ अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।